डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3, और इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम स्काइप के ऊपर आईडी बना सकते हैं और आउटलुक के ऊपर। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है कम्युनिकेटिंग एंड नेटवर्किंग विद आउटलुक, स्काइप, लिंक्डइन एंड स्क्वेयर स्पेस। तो आउटलुक के अंदर हम अपना अकाउंट बनाना सीखेंगे और उससे ईमेल करना सीखेंगे, ईमेल को रिसीव किस तरह किया जाता है। और इसके अलावा स्काइप के ऊपर हम अपना अकाउंट बनाएंगे और उसके ऊपर ऑडियो, वीडियो और वॉइस मेल किस तरह भेजी जाती है, ये चीज़ें हम सीखेंगे। उसके अलावा है लिंक्डइन के ऊपर हम ये अपनी आईडी बनाना सीखेंगे और वहाँ पर प्रोफेशनली हम अपनी आईडी बनाने के बाद किस तरह से काम कर सकते हैं। उसके बाद है स्क्वेयर स्पेस, उसको भी देखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आज अकाउंट बनाने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट बनाना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना होगा, या यहाँ पर सर्च बार पे लिखेंगे आपने हॉटमेल लिखना होगा, या यहाँ पे आप लिखेंगे आउटलुक। तो मैंने हॉटमेल लिखा, फिर भी मेरे पास नीचे आउटलुक अपीयर होगी, कहेंगे फर्स्ट लिंक उसका ओपन होगा। यहाँ जो सर्च बार है यहाँ पर हम लिखते हैं आउटलुक, outlook.com, ठीक है जी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं outlook.com, उसके बाद गूगल सर्च करके हमें देगा। और जो हमारे पास फर्स्ट लिंक है आउटलुक फ्री पर्सनल ईमेल एंड कैलेंडर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखें यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है ट्राई प्रीमियम और दूसरा है साइन इन। तो हम साइन इन तो अभी नहीं कर सकते, पहले हमने अपना अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ हमने अकाउंट बनाना है, क्रिएट फ्री अकाउंट। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करेंगे और हमारे पास एक फॉर्म टाइप रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी और इसके अंदर हम अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेंगे, तब हमारा यानी कि साइन अप प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर हम साइन इन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करते हैं, दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक होगा हॉटमेल और एक है हमारे पास आउटलुक। इनकी न्यू एक्सटेंशन है, डोमेन है, ये पुरानी इनकी डोमेन है। अब यहाँ पर हम यानी कि आउटलुक यूज़ हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है हम वो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करके USMAN और ETD 505 कर लेता हूँ, उस्मान ETD 505 और नेक्स्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास अभी आ जाएगा क्रिएट पासवर्ड, यहाँ मैं इसको पासवर्ड ही साइन कर देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड इसको साइन कर देते हैं जी, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, लास्ट नेम दे देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं कोई भी डमी सी दे देता हूँ। मैंने ये दे दी एज यहाँ पर यानी कि 1993, नेक्स्ट कर देंगे, वेट करेंगे और आईडी हमारी यहाँ पे ये जनरेट होगी। अब यहाँ पे जो उसका कैप्चा है वो इंटर करेंगे, यहाँ पे है जी JNVMKVGM। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यूँ आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपने थोड़ा सा वेट करना है। यूँ आपका अकाउंट बन जाएगा और ये आउटलुक ईमेल का लोगो है, ये देखिए अकाउंट क्रिएट इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक करना है हमारे पास क्या है न्यू मैसेज, यानी कि न्यू मैसेज ये मुराद है कि जब आपने किसी को ईमेल करनी होगी तो आप न्यू मैसेज पे क्लिक करेंगे और न्यू मैसेज पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा अपडेट करेंगे, यहाँ आपके पास छोटी सी विंडो अपीयर हो जाएगी। तो वहाँ पे आपके पास टू होगा और फ्रॉम होगा, हम चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास टू यानी कि जिस बंदे को आपने ईमेल भेजी है, मैं कहता हूँ मैंने ईमेल भेजी है उस्मान
sd50@gmail.com ये मैंने बंदा ऐड कर लिया, ठीक है। यानी कि जिस पर्सन को, जिस क्लाइंट को, जिस यूज़र को आपने भेजनी है, जिस स्टूडेंट को भेजनी है, यहाँ पे हमने उसका ईमेल आईडी मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे है सीसी और बीसीसी। सीसी से मुराद ये, अगर आपने कॉपी में किसी को रखना है, किसी को बताना है कि ये ईमेल मैंने फ़लाँ स्टूडेंट को ईमेल कर दी है। जिस तरह लेट्स सपोज हम एक स्कूल की मिसाल लेते हैं, अगर आपने प्रिंसिपल को साथ में रखना है सीसी के अंदर, कॉपी टू के अंदर, कि ये ईमेल हमने फ़लाँ स्टूडेंट को भेज दी थी, और आप उनको एज ए सीसी रख सकते हो सबूत के तौर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंसिपल जो भी, यानी कि जिस इदारे की हैं, तो वो आपने वहाँ पर मैंशन कर देंगी। फिलहाल इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये इसकी, यानी कि आप जब भेजोगे ईमेल जिस पर्सन को, रेलेवेंट पर्सन को, तो उनकी ईमेल पे भी सेम वही ईमेल जाएगी जो आप, यानी कि किसी को भेज रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, हमारी ईमेल थोड़ी सी क्या कहते हैं, इसको हमने मैक्सिमाइज कर लिया है ताकि हम यहाँ पर इजीली इसको समझ सकें। यहाँ पर ये ओपन जैसे होती है तो हम चीज़ों को ईजीली समझ लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने outlook.com सर्च करना है, आपके पास पहला लिंक ओपन हो जाएगा, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है, और वहाँ पर सबसे पहले आपसे कहेगा ईमेल आईडी, जो आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हो वो आईडी आपने वहाँ पर मेंशन कर देनी है, राइट। और उसके बाद फिर आपने, यानी कि यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है, यूँ आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब ज़रा आपने वहाँ से देखना है, टू पे मैंने जिस पर्सन को ईमेल भेजनी है मैंने उसका, उसकी ईमेल आईडी लिखी, और सीसी में जिस बंदे को आपने कॉपी में रखना है एज अ रिकॉर्ड कि ये ईमेल इस पर्सन को हमने भेजी थी, वही सेम कॉपी सीसी में जो वो पर्सन होगा उसको भी मिल जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप सीसी में नहीं रखते, आप बीसीसी के अंदर रखते हो, उसमें क्या होता है कि दूसरा बंदा नहीं देख सकता कि ये ईमेल आपने किसी को साथ में शेयर की हुई है। तो बीसीसी का फ़ायदा ये है कि जिस बंदे को आपने भेजनी होगी साथ में, वो भी इसमें ऐड हो सकता है। एक तो होता है टू, टू के अंदर ये कि जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हो, अगर ग्रुप में भेजते हो 10 या 15 स्टूडेंट्स को हमने भेजनी है, तो 10 या 15 स्टूडेंट्स को साथ में शो होगा कि यही ईमेल इन स्टूडेंट्स को भी गई है, यानी कि भेज दी गई। लेकिन जब आप सीसी में भेजते हो तो सीसी भी शो करता है, लेकिन बीसीसी के अंदर वो चीज़ शो नहीं होगी, ठीक है जी। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर, फिर एग्जांपल के तौर पर मैं सीसी में भी रख देता हूँ। मैं कहता हूँ vistportal@gmail.com, ये आ गया सीसी के अंदर। अब नीचे आ जाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास जी, मैं कहता हूँ कंप्यूटर नोट्स, लेट्स सपोज मैं भेजना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर नोट्स। अब यहाँ पर आपने स्टार्ट लेना होता है सबसे पहले, अगर आपके पास कोई टीचर है तो आपने डियर यहाँ पे लिखना होगा, डियर सर। अगर आपको पता है मैडम भी हो सकती है, आपने स्लैश और साथ में मैडम ही लिख देना है, ठीक है जी। अब मैं ये जो भेज रहा हूँ, लेट्स सपोज किसी टीचर को भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डियर सर और मैडम लिखना है। अगर हम किसी स्टूडेंट को भेज रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, STUDEN स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद नीचे हम आ जाएंगे, यहाँ पे आपने कॉमा भी साथ में लिखना है, ठीक है जी, इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सलाम वालेकुम, यहाँ पे हम नीचे, जो चीज़ आप भेज रहे हो वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। लेट्स सपोज मैं भेज रहा हूँ स्टूडेंट्स को नोट्स, तो ऊपर मैंने लिखे डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, नीचे मैं लिख दूंगा प्लीज फाइंड हेयर विद अटैच कंप्यूटर नोट्स About lecture number 04 for your study, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया साथ में। अब मैं लेट्स सपोज साथ में कोई चीज़ अटैच करना चाहता हूँ। अटैच से मुराद ये है कि इसके साथ कोई नोट्स हमने साथ में
अटैच करने हैं तो हमने किस तरह अटैच करने हैं वो देखते हैं। यहाँ पे आप देखें ब्रश है फॉरवर्ड प्रिंटर, ये जो आपके पास सारी की सारी रो है, इस रो के अंदर आपके पास क्या है जी फॉर्मेटिंग, यानी कि इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप उसकी फॉर्मेटिंग कर, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे है बी बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे है उसको सेलेक्ट किया, अगर बोल्ड करना चाहते हैं इटैलिक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है जी, बोल्ड या बी इटैलिक कर दिया। और हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे जो लाइन है इसको हम सिंपली सीधा छोड़ेंगे। अब अटैचमेंट, अब मैं यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ अटैच, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कहता है ब्राउज दिस कंप्यूटर, अगर इस कंप्यूटर से करनी है, क्लाउड से करनी है, अपलोड एंड शेयर करनी है, तो हम क्या करें ब्राउज दिस कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर के अंदर जो फाइल आप भेजना चाहते हो वो हम यहाँ से यानी कि अटैच करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है जी यहाँ पे यूएसबी में चले जाते हैं, वहाँ से हम कोई ना कोई कॉन्टेंट या कोई जी ये मेरे पास MCQ से कंप्यूटर के मैंने ये अटैच कर लिया, ओपन कर लिया मैंने, ये देखिए आपके पास 226 MCQs कंप्यूटर, ठीक है जी, ये आपके साथ अटैचमेंट में आ गई। अब जब आप भेजेंगे ये अटैचमेंट भी साथ में जाएगी, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है एक लाइन के अंदर ये भी साथ में जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप भेजो यहाँ पर टू उस बंदे को मिल जाएगी, CC में जिस बंदे को रखा है, लेट्स सपोज वो आपका कोऑर्डिनेटर है, वो आपके प्रिंसिपल हैं, तो आप उनको भी इतला देना चाहते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स में स्टूडेंट्स को भेज रहा हूँ, और उनके लम्बे भी होना चाहिए कि ये चीज़ें उनको मिल चुकी हैं। फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इसकी ओपन की और यहाँ पे नीचे आपने क्लोजिंग भी करनी होगी कि कौन सा बंदा भेज रहा है, इसे कहते हैं सिग्नेचर, RE रिगार्ड्स REGARDS रिगार्ड्स। उसके बाद लेट पोस्ट मैं भेज रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखूँगा और अपना नाम लिखने के साथ अपनी डिजिग्नेशन भी लिखूँगा, ठीक है जी, और डिजिग्नेशन में लिखा है लेट्स पोस्ट लेक्चरर, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नीचे कॉन्टैक्ट नंबर 0340 ये लिख दिया जी। अब जब भी यानी कि ईमेल जाएगी उस बंदे ने अगर रابطہ भी करना होगा तो वो यहाँ पर रابطہ भी कर सकता है, ठीक है जी, और उसको पता चल जाएगा इसकी डिजिग्नेशन ये है, और आप ईमेल भी लिख सकते हैं, यानी कि ये इसकी ओपनिंग है और ये क्लोजिंग का भी दरमियान में इसका टेक्स्ट आ जाएगा। और अटैचमेंट में कोई फाइल भेजनी है साथ उसको आप अटैच कर सकते हैं, वो यहाँ पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो यूँ यानी कि आप इसको अटैच कर सकते हो ईजीली। और अटैच करने के बाद फिर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है सेंड, तो इसको हम भेज देते हैं, अभी आप देखें सेंड किया ये फाइल हमारे यहाँ से चली जाएगी। वेरीफाई योर अकाउंट, बज़ दफ़ा ये कि अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है, जिस तरह हमने अकाउंट बनाया है और हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं था तो हमने उसको वेरीफाई भी करना है, तो हम अभी चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे वेरीफिकेशन के लिए आया है। तो ये कह रहा है जी बिफोर यू सेंड ईमेल वी नीड टू वेरीफाई योर अकाउंट, दिस विल बी wouldn't happen every time you need to email. You send email, we promise. ठीक है नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है टच द एरो टू रोल द बॉल, ओके चलिए जी। अब ये हो गई जी इसकी वेरिफिकेशन, अब हमारी ईमेल सेंड होगी, ठीक है। अब हमें चेक करना है ये देखिए फ़ोन नंबर भी वेरिफिकेशन की, तो थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये भी चीज़ें हमारी मुकम्मल करनी रहती थी। अब हमें चेक करना है कि हमारी ईमेल चली गई है तो कहाँ गई, हमने यहाँ पे चेक करना होता है सेंट में, जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हो तो वो सेंट में आ जाती है कि आपने ये वाली ईमेल भेजी थी। और फिर ये है जी 8:19 पे ये हमने ईमेल भेजी, इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, यहाँ पे आ गया उस्मान ATT, यानी कि हमने उस्मान ATT को भेजी थी। उसके बाद हमने कोई अटैचमेंट फाइल भेजी थी, वो अटैचमेंट की फाइल भी हमारे पास है, और यहाँ पे आ जाएं, फिर हमने इसकी ओपनिंग क्लोजिंग की थी। और डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ फाइंड हेयर विद अटैच कंप्यूटर नोट्स अबाउट द लेक्चर नंबर 04 फॉर योर स्टडी, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आएगा इस फाइल के ऊपर क्लिक करेगा, एक तो इसके ऊपर क्लिक करेगा ये फाइल ओपन हो जाएगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अपनी ईमेल के साथ यानी कि ओपन करने की क्या कहते हैं हमें एक्सेस
मौजूद होती है इसके अंदर कि हम इसको ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप समझते हो कि आपके पास नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आप यानी कि इसको फिर डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो आप इसको यहीं पर ओपन कर सकते हो। ये कुछ MCQs थे यानी कि जो पैरामेडिक्स के स्टूडेंट्स के लिए थे, उनको यानी कि उनके साथ शेयर किए थे। तो इसमें से कुछ MCQs हैं जो फिल्टर करने के बाद आपके साथ भी शेयर कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जस्ट ये सिखाया कि आप लोग यानी कि ईमेल आईडी किस तरह से बना सकते हो outlook.com के ऊपर। तो कुछ स्टेप्स है, छोटे छोटे स्टेप हमने फॉलो किए, हमने अकाउंट बनाया, उसके अंदर से हमने ईमेल को भेजना सीखा और साथ में रिकॉर्ड के अंदर चेक करना सीखा। कोई बंदा पूछ लेता है कि मुझे ईमेल नहीं मिली, तो आप बता सकते हो अपने सेंड आइटम्स के ऊपर जाके क्लिक करो और यहाँ से उसको एक स्क्रीनशॉट लेके भेजो कि ये देखें जी, हमने तो आपको ईमेल भेजी है, अब हमें नहीं पता कि आपको क्यों नहीं मिली। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास ये नंबर वन हमारा काम मुकम्मल हो गया, क्रिएट एन आउटलुक अकाउंट हमने बना लिया। अब कहता है इंटर एंड एडिट कॉन्टैक्ट एंड कैलेंडर इंट्रीज। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास एक ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट। लेट सपोज यानी कि आप किसी भी मेरे पास अगर मैं किसी को स्टूडेंट्स को भेजना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास उनके कॉन्टैक्ट भी होने चाहिए, फ़ोन नंबर भी होने चाहिए। यहाँ पे देखें आपके पास है दो आइकन छोटे से बने हुए हैं और ये है पीपल। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास कॉन्टैक्ट का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे हम स्टूडेंट्स यहाँ नंबर इंटर कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं, जब भी हमें उनको कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इजीली उनको कॉल कर सकते हैं। तो देखें आपके पास कुछ इस तरह से इसका यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पर न्यू कॉन्टैक्ट, तो मैं न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ और मेरे पास एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे मैंने जस्ट वो डेटा पुट करना है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना ही नाम, उसके बाद ATD, उसके बाद नीचे मेरी ईमेल आईडी क्या है, usman8d505@, उसके बाद है जी हॉटमेल, और हॉटमेल तो मैंने नहीं रखा था, मैंने आउटलुक रखा था, @outlook.com ही मैंने रखा था। मोबाइल नंबर मेरे पास क्या था, 03403392, और वर्क प्लेस क्या है जी, लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं RIPHAH, या हम लिख लेते हैं RICABOWEAD। ठीक है जी, और यहाँ पे लिख लेते हैं जी LECTURER। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्म किस तरह फिल होता है। यहाँ भी कुछ स्टेप्स थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वर्क प्लेस, लेक्चरर, और क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, यूँ हमारे पास एक एंटिटी यानी कि हमारे पास होगी। इसी तरह आपके पास कोई और स्टूडेंट है, आप उसको ऐड करना चाहते हैं टू क्रिएट, आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऐड टू फेवरेट, यानी कि बास होते हैं लिस्ट के अंदर जिनको आप बार बार कॉल करनी होती है, तो आप ऐड टू फेवरेट की कैटेगरी में रख सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, कोई नंबर गलत हो गया, ईमेल आईडी गलत हो गया, आप उसको चेंज इजीली कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिलीट करना भी आप चाहते हो तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, ऐड टू लिस्ट, तो यहाँ पर आप एक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो ईजीली। उसके बाद क्या है, मूव फोल्डर, तो एक फोल्डर बना लो, आप वहाँ पे भी इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। जिस समय कहता हूँ जी हमारे पास है सेमेस्टर वन के स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर टू के स्टूडेंट्स हैं, हम क्या करेंगे ग्रुप बना लेंगे और उन ग्रुप को हम एक फोल्डर के अंदर रख देंगे। उसके बाद क्या था, यहाँ पर जिस तरह ये लिस्ट आपके पास यहाँ शो हो रही है, उसी तरह कॉन्टैक्ट, ऑल कॉन्टैक्ट लिस्ट, हमारे पास एक से ज़्यादा लिस्ट हैं तो वो यहाँ पर शो होंगी। अगर एक फोल्डर के अंदर हमने यानी कि 3-4 फोल्डर पुट कर दिए तो वो यहाँ पर शो होंगे। अब ग्रुप से रिलेटेड अगर काम करते हैं, लेट्स सपोज जैसा मैंने कहा आपको, मैं बना लेता हूँ सेमेस्टर वन के अंदर 3-4 ग्रुप, तो वो हम ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, तो उस समय हम उसको मैनेज कर सकते हैं। उनका कोई ऑनर होगा, सॉरी कोई ना कोई जो उसमें ऐड होगा वो मेंबर कहलाएगा, जो वो ग्रुप यानी कि बनाएगा वो ऑनर कहलाएगा और डिलीट भी कर सकता है। तो यूँ यानी कि हमने देखा कॉन्टैक्ट किस तरह सेव किए जाते हैं आउटलुक के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, कैलेंडर, तो यहाँ हम कैलेंडर पर क्लिक करते हैं और कैलेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है कि हम थोड़ा सा वेट करना है ये ओपन हो जाए। इसका यूज़र इंटरफेस हमने, लेट्स सपोज अभी हमारे पास डेट क्या है 29 पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि यानी कि मैंने 29 को परफॉर्म करनी है।
ठीक है, 29 पे परफॉर्म करनी है, मैंने डबल क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ये इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रैंड क्विज, तो मैंने ग्रैंड क्विज कर दिया। यहाँ पे किस किस को इन्वाइट करना है उन सब की मैंने यानी कि ईमेल आईडी मेंशन कर दी है, ठीक है, और यहाँ पे उनकी अटेंडेंस भी लेनी है, तो आप इन्वाइट अटेंडीज ठीक है इंटर कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शनल है, और नीचे हमारे पास यानी कि किसी और को भी ऐड करना है। यहाँ पर हम क्या है इन्वाइट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड के अंदर सब आएंगे, उनको यानी कि अपनी अटेंडेंस यानी कि शो करनी मस्ट होगी। ऑप्शनल के अंदर जो आएगा वेलिंग जो नहीं आएगा कोई उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे हमने डेट मेंशन करनी है, 29 मैंने पहले मेंशन की थी, और आ गया टाइम, तो टाइम हम लेट्स सपोज चेंज कर लेते हैं 10 से, और कब ख़त्म होगा हमारा ग्रैंड क्विज, हम कहते हैं 11 में, ठीक है, 10 से 1 घंटे का, और ऑल डे चलता रहेगा, ऑल डे तो नहीं है 1 घंटे के लिए, और रिपीटेड और रिपीट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो नेवर, एक ही टाइम पे यानी कि अगर आपका क्विज हो रहा है तो आप इसको रिपीट नहीं करना चाह रहे तो ये आपने नेवर करना है। और यहाँ पे लोकेशन लिख लेनी है, जो आपकी लोकेशन होगी मैं कहता हूँ यहाँ पर, यहाँ से भी फेच कर लेगा आपकी लोकेशन, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं RIC, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एबटाबाद, ठीक है जी, AWB और WWE एबटाबाद हमने लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास ये लोकेशन से फेच कर दी। अब हमारे पास नीचे क्या है रिमाइंड मी यानी कि बिफोर 15 मिनट्स, तो पहले जब भी ये आपका ग्रैंड क्विज एक्टिवेट होता है 10 बजे का स्टार्ट होता है, तो 9:45 पे एक रिमाइंडर आ जाएगा किसको, जिसने यानी कि ग्रैंड क्विज यानी कि रखा है अपने स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे अटैचमेंट, तो यानी कि आप वही फाइल लेट्स सपोज जो मेरे पास थी कंप्यूटर से रिलेटेड में आपके सामने अटैच कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वो फाइल भी अटैच कर ली। अगर मैंने यानी कि कोई असाइनमेंट दी है तो मैं यहाँ पे अटैच करूँ, कोई क्विज है ऐसा क्विज है कि उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस यानी कि हम उस पर लिखे होंगे क्वेश्चन पेपर के ऊपर, आपने सॉल्व करने होंगे, फिर आपने रिटर्न बैक करना होगा बाय यूजिंग ईमेल। और यहाँ पे हम कोई डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि ये किस किस्म का क्विज है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें लिखने के बाद हम इसको यानी कि सेव कर लेंगे, यहाँ पे सेव कर दिया, और यूँ यानी कि ये आपका कैलेंडर के ऊपर एक इवेंट एक्टिवेट हो जाएगा यानी कि अपीयर हो जाएगा कि आपने ये इवेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने इवेंट यहाँ पे क्रिएट किया है वो वहाँ पे शो होगा या नहीं होगा, तो डिस्कॉर्ड आर यू श्योर यू वांट टू डिस्कॉर्ड इवेंट नहीं कैंसिल, ये देखें हमारे पास क्या है यहाँ पे शो हो रहा है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें नेक्स्ट इवेंट हमारे पास क्या है ग्रैंड क्विज है, ग्रैंड क्विज और कब है जी 5 महीने की 29 तारीख को होगा, और कितने बजे को ये आ गया और कहाँ पे होगा ये आपके पास डिटेल आ गई, ठीक है जी, ये आपके पास मज़ीद उसकी डिटेल आ गई। अब यानी कि इस तरह से हम अपने कैलेंडर के ऊपर इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब यानी कि मैं 27 पे आता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, 28 पे आता हूँ कुछ भी नहीं है, 29 पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ग्रैंड क्विज, इस तरह से हम यानी कि इवेंट्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं और इनको हम शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करें और ये इस फिलहाल हम इसको सेव ही रखते हैं, यहाँ पर सेव, यहाँ से अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं बाय ईमेल, ठीक है, तो यहाँ पे आप वो ईमेल आईडी पुट करेंगे जिसको भेजनी है वो आप उसको इजीली शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था सेंड एंड रिसीव, तो रिसीव का तरीका भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं, अपनी ईमेल आईडी पे जाते हैं आउटलुक, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा हम ईमेल आईडी के अंदर वापस आ जाते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं मेक अ कॉल यूजिंग स्काइप, जब आप अपनी आउटलुक पे आईडी बनाते हो तो अभी माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको साथ में स्काइप भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर आपका भी अकाउंट बन सकता है बाई यूजिंग आउटलुक ईमेल आईडी। तो अब हम चेक करते हैं कि हमने रिसीव ईमेल किस तरह करनी, जब भी आपके पास ईमेल आती है माइक्रोसॉफ्ट outlook.com के अंदर यहाँ पे होती है फोकस एंड अदर के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड आपके पास ईमेल्स होंगी वो यहाँ पे शो होंगी, और इससे यानी कि ज़रूरी नहीं कि जब माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड ही शो होंगी, इससे हट के भी आपके पास शो हो सकती हैं, तो फोकस जो डेली बेसिस पे आपका जिनके ऊपर फोकस होता है तो वो फोकस के अंदर आएंगे, अदर्स रिलेटेड यानी कि जिनके साथ ज़्यादा आपका टच नहीं है वो सारी की सारी ईमेल आपकी अंदर अदर के अंदर आएंगी। अब हमने चेक कर लिया हमारे पास कह रहा है कि आप गूगल वन ड्राइव सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को भी यूज़ कर सकते हो, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास जो क्लाउड की स्टोरेज होती है मिनिमम आई थिंक 5 GB हमें प्रोवाइड करता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं और हमारा जो वन
ड्राइव है, इसके अंदर हमें 5 GB की स्टोरेज मिली है। यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट्स ऑन एयर महफूज रहते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपके पास USB नहीं है, ये देखिए 5 GB आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो जब भी आपके पास यानी कि USB नहीं है, आपने यहाँ पे अपलोड किया है, जैसे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होगा, कहीं भी जाके आप उसको लॉग इन करेंगे और अपने यानी कि उस डॉक्यूमेंट को वहाँ से डाउनलोड इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाते हैं कि सेंट में जो आपने ईमेल भेजी थी वो यहाँ पे आएगी, और इनबॉक्स के अंदर जो ईमेल्स आपके पास आएंगी वो यहाँ पे शो होंगी। अब हमारे पास वन ड्राइव की एक ईमेल आई है, ये हमारे पास आई है 8:12 पर हमारे पास ये ईमेल हमें रिसीव हुई है। तो जो अगर आप इसको पढ़ना होगा तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास होती है ईमेल, तो ये है फॉरवर्ड, किसी को आपने भेजनी है। मैं कहता हूँ ये ईमेल मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ Usman ATD को, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉरवर्ड करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक डॉट भी है, ठीक है जी। डॉट को आपको बताता हूँ डॉट का मकसद क्या है। फॉरवर्ड के लिए हम जब अप्लाई किया तो ये आ गया FW स्टैंड फॉर फॉरवर्ड। यहाँ पे हमने उस बंदे की ID लिखनी है, मैंने Usman ATD 505 कर लेता हूँ, मैं अपनी ID के ऊपर दोबारा ये भेज देता हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए 505@ यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, Shift+2 के साथ @ का सिंबल आएगा और ये आउटर मेरी ID आ गई। मैं अपने आप को दोबारा भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेंड करता हूँ, देखिए हमारे पास दोबारा ID यानी कि जो हम ईमेल भेजना चाह रहे हैं वो मेरे पास दोबारा वापस आ जाएगी सेंड। अब यहाँ पर इनबॉक्स पे हम चेक करेंगे, हमारे पास 2, देखिए 1 था अभी 2 हो गया। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वही ईमेल आईडी मेरे पास आ गई है। रिफ्रेश कर लेता हूँ और रीलोड कर लेता हूँ, दोबारा से चेक कर लेते हैं प्रोसेस को, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 2 ईमेल्स आई हुई हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास इनबॉक्स के अंदर ये क्या है, ड्राफ्ट, और ये अदर के अंदर हमारा ये ड्राफ्ट है, फिलहाल हम इसे डिलीट कर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए, ये हो गया ड्राफ्ट। इसके बाद हमारे पास क्या है ईमेल, अच्छा जी यहाँ पे अदर पे जो ईमेल थी वो मैंने डिलीट की, उसके साथ जो अदर कनेक्टेड थी वो भी डिलीट हो गई। तो दोबारा हम भेज देते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पर है जी लेट्स पोज ये ईमेल है, इसको मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, क्लिक किया एरो पे, यहाँ पे हम भेजते हैं USMAN ATD 505 और है जी Shift+2 के साथ @outlook outlook.com, ठीक है जी। अब इसको सेंड करते हैं इनबॉक्स, ज़रूरी नहीं है कि आप ख़ुद कोई भेजिए, जब आपने किसी भी पर्सन को भेजनी होगी ईमेल, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया है जी फॉरवर्ड ईमेल, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जो फॉरवर्ड ईमेल थी हमारे पास अभी ओपन हो जाएगी, ये देखिए Usman ATD Outlook Teams जो हमारे पास ईमेल थी, ये देखिए कोई टेक्स्ट नहीं था साथ में, जस्ट जो अटैचमेंट थी वो हमारे पास आ गई, तो हम किसी और को भी भेज सकते हैं। यही ईमेल में भेजता हूँ इसको जी USMAN Usman ATD या विस को भेज देते हैं, ठीक है जी VISP PORTAL@gmail.com, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, डिफ़िकल्टी आपको ख़त्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सेंड करते हैं, ये सेंड आइटम में चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये सेंड होगी, ये सेंड आइटम में क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास विस पोर्टल को ये ईमेल चली गई है, और यहाँ पे देखिए ये विस पोर्टल हमने भेजी थी। अब चेक करने का तरीका क्या है, हमने चेक करनी देखिए 2 विस पोर्टल, तो ये विस पोर्टल को गई है, साथ में ये देखें ये ईमेल चली गई है। सिंपल तरीका, इतना मुश्किल नहीं है।
रिपीट करता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था कम्युनिकेटिंग एंड नेटवर्किंग विद आउटलुक, तो हमारा फोकस यहीं पर होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्क्राइब के ऊपर काम करना सीखेंगे, आईडी किस तरह बनती है, वीडियो ऑडियो वॉइस मेल किस तरह से जनरेट हो सकती है, यानी कि वीडियो कॉल किस तरह कर सकते हैं, ऑडियो कॉल किस तरह कर सकते हैं, वॉइस मेल किस तरह भेज सकते हैं, कोई फाइल किस तरह शेयर हो सकती है, ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 होगा, उसका पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। और फिर हम साथ में हमने सीखा सबसे पहले कि आउटलुक को एक्सेस किस तरह किया जाता है। दोबारा आपके सामने ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे outlook.com, ठीक है जी। outlook.com हमने इंटर कर दिया और आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम साइन इन है, इस वजह से डायरेक्ट हमारी वो ईमेल आईडी ओपन हो जाती है। फिर हमने वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिखनी थी, ठीक है जी। उसके बाद हमने यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये चीज़ें मुकम्मल की, जो क्रेडेंशियल हमें चाहिए थी हमने मुकम्मल करने के बाद हमारी आईडी बन गई। फिर हमने ईमेल करना सीखा और हमने सेंड आइटम के अंदर जाकर देखा कि हमने किसको भेजी है ईमेल, वो हमारे पास सेंड आइटम के अंदर एज अ कॉपी महफूज रहती है। फिर हमने उसके बाद हमने देखा कि हम यानी कि किसी को इवेंट के अंदर कोई चीज़ किस ऐड कर सकते हैं कैलेंडर के अंदर, तो हमने वो भी ऐड करना सीखा। कॉन्टैक्ट, हम किसी का फ़ोन नंबर किस तरह ऐड कर सकते हैं, उसकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नेम किस तरह ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने देखी। यहाँ पे हम देखें ज़रा गौर से, ये है कि आपके पास ईमेल, यहाँ पे है कैलेंडर, यहाँ पे आपके पास क्या है कॉन्टैक्ट यानी कि पीपल, ये तीन ऑप्शन हमने यूज़ करने सीखे। ये हमारी ईमेल का ऑप्शन होता है, जब भी उस पर क्लिक करते हैं अगर आप कॉन्टैक्ट पर गए तो दोबारा ईमेल पर वापस आ जाओगे, तो ये यानी कि कैलेंडर है, कैलेंडर पर आप गए तो वापस आना चाहते हो तो आप वापस ईमेल पर भी आ सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरह वापस आ सकते हैं। देखिए मैंने अभी कैलेंडर पे ओपन किया तो मेरा कैलेंडर ओपन हो गया, मैं ईमेल पे क्लिक करूँगा वापस मैं ईमेल पे आ जाऊँगा, और इसी तरह अगर मैं कॉन्टैक्ट की तरफ गया हुआ था तो कॉन्टैक्ट से दोबारा ईमेल की तरफ वापस आ सकता हूँ। तो सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं है। आप ख़ुद अपना अकाउंट बनाएं और वन बाय वन अपनी ईमेल आईडी भेजें स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी जो ईमेल आईडीज़ हैं हमारे पास नहीं है, आप अपनी ईमेल आईडीज़ यानी कि टेस्टिंग भी इसको टेस्ट भी करें, चेक भी करें, जहाँ पर कोई मसला परेशानी आपको पेश आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर उसका इजहार करें, और यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो समझ नहीं आई आप पूछ सकते हो। तो अपनी ईमेल आईडी ज़रूर आपने भेजनी है वन बाय वन, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 2 के अंदर हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट स्काइप के ऊपर किस तरह काम किया जा सकता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।